अस्सलाम वालेकुम, आप सभी को सैमा बाजी के खाने में खुश आमदीद। आज मैं आपके लिए लाई हूँ जनाब एक बहुत ही ज़बरदस्ती बेसन की खंडलियाँ। चलिए जी, कैसे बनती है स्टार्ट करते हैं। उसके लिए जो मसाला हम बनाएंगे वो ये है। 2 चमचे मैंने साबुत धनिया लिया है, 1/2 चमची मैंने जीरा लिया है, 1.5 टेबल स्पून मैंने जो है नारियल लिया है कटा हुआ, ठीक है। और इसमें जीरा जाएगा 1/2 टीस्पून, लौंग है 4 अदद, काली मिर्ची है 5 अदद, और 2 हरी इलायची और 1 बड़ी इलायची और 2 हरी मिर्ची, और ये है सौंफ है 1/2 चमची, ठीक है। अब हमने करना क्या है, हम इन सब चीज़ों को एक अच्छा सा पेस्ट बनाना है। थोड़ा सा पानी डाल के, ज़्यादा पतला नहीं करेंगे हम, सिर्फ थोड़ा सा पानी डालेंगे ताकि ये इसका एक अच्छा सा पेस्ट बन जाए। ये हमने इसका इस तरह से पेस्ट बना लिया। अब करना क्या है, अब हमने ये देखिए, ये मेरे पास 1 अदद आलू है मीडियम साइज़ का था कच्चा, इसके मैंने इस तरह से पीस बना लिए, ठीक है। अब हमने करना क्या है, इसमें 2 से 3 चमचे हम इसमें डालेंगे, 3 चमचे बस। ये डाल के हम इसका फिर दोबारा से एक पेस्ट तैयार करेंगे, और जो ये बाकी बचा है ना, ये हमारी ग्रेवी में काम आएगा, ठीक है। मैं इसका पेस्ट बनाती हूँ फिर आपको दिखाती हूँ। ये देखिए, इस तरह से ये पीस गया है ना, जो हमने केले उसके साथ बनाया, आलू के साथ जो हमने पेस्ट बनाया था, इस तरह से पीस के। अब हमने करना क्या है, ये बेसन है मेरे पास 1.5 कप, 1.5 कप बेसन है, ठीक है। 1.5 कप बेसन में हमने करना क्या है, हमने इसमें डालना है अपने टेस्ट के मुताबिक नमक, मैं यहाँ 1 टीस्पून डाल रही हूँ, और जीरा डालेंगे 1 टीस्पून, हल्दी पाउडर डालेंगे 1/2 टीस्पून अदर के लिए, और इसमें जाएगी किसी भी मिर्ची अपने टेस्ट के मुताबिक, क्योंकि हमने इसमें हरी मिर्ची भी डाली है, तो मैं 1/2 टीस्पून डालूंगा। और अब इसमें जाएगा ये वाला पेस्ट जो हमने, ये देखिए, अब मैंने क्या करना, इसमें जो मैंने आलू के साथ पेस्ट बनाया था ना, वो मैंने इसके अंदर डाला है, ठीक है। अब हम इन सब चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स करेंगे, और अगर हमें जरूरत पड़ी तो हम इसमें पानी डालेंगे, नहीं तो नहीं डालेंगे। मैं इन सब चीज़ों को मिक्स करती हूँ, फिर आपसे मिलती हूँ। ये देखिए, मुझे इसमें पानी की ज़रूरत है, तो आप लोगों को भी पड़ेगी, तो आप इसमें पानी ज़रूर डालिएगा, मगर थोड़ा थोड़ा करके। हमने इसको पतला नहीं करना है, हमने इसको गाढ़ा था, एक ठीक सा बैटर बनाना है। ये देखिए, अच्छा सा हमारा बेसन फिट गया है, जो हमने आलू के साथ जो बैटर बनाया था वो हमने मिक्स करके अच्छा सा हमने ये फेंट लिया। ये देखिए, इस तरह से होना चाहिए ना, ज़्यादा पतला नहीं होना चाहिए, इस तरह से होना चाहिए, ठीक है। इसको हम 5 मिनट के लिए ढक के रखते हैं। ये देखिए, 5 मिनट हो गए हैं ये हमारा बैटर। अब हम क्या करना है, ये मेरे पास एक ढक्कन है पतीली का मेरे पास, ठीक है। इसमें मैंने ऑयल लगा के इसको ग्रीस कर लिया है। अगर ये नहीं है, अगर स्टील की प्लेट है इस तरह की, तो इसमें भी आप रख सकते हैं, ठीक है। मेरे पास ढक्कन मुझे ज़्यादा सही लगा, तो मैंने इस पर ऑयल लगाकर, बस अब हमने करना क्या है, हमें सारा बैटर इसमें डालना है, बिस्मिल्लाह, और इसको स्टीम के लिए रखना है। मैं सारा डालती हूँ और इसको फैलाती हूँ, फिर हम इसको रखेंगे स्टीम के लिए, ठीक है। तो अच्छे तरीके से हम इसको इस तरह से फैला देंगे, फिर हम इसको स्टीम के लिए रखेंगे। ये देखिए, मैंने स्टीम के, मैंने क्या करा, पतीली में पानी रखा, उसके नीचे एक स्टैंड रखा है, फिर इस पर मैंने अपना ये ढक्कन रखा है, ठीक है। ये इस तरह से स्टीम हो जाएगा, इसको मैं कवर करती हूँ, फिर मैं आपको दिखाती हूँ जब ये तैयार हो जाएगा। चलिए, अब देखते हैं, स्टीम हुई, 5 से 6 मिनट हो गए हैं, बिस्मिल्लाह, ज़बरदस्त माशाल्लाह। ये देखिए, अब ये स्टीम हो गया है ना, तैयार हो गया, क्योंकि इसने साइडें अपनी छोड़ दी है, ठीक है। मैं चूल्हे को करती हूँ ऑफ। ये देखिए, ये तैयार है। अब क्या करना है, अभी बहुत गर्म है, तो हम इसके अभी पीस नहीं बनाएंगे, ये ठंडा होता है, फिर हम जब तक इसे क्या करेंगे, ग्रेवी तैयार करते हैं, ठीक है। क्योंकि ग्रेवी बनाने के लिए मैंने एक पैन, उसमें कढ़ाई में ऑयल डाला है। अब इसमें हम डालेंगे 1 चम्मच अदरक लहसुन का, ठीक है, बिस्मिल्लाह। इसके बाद थोड़ी तेज आंच करेंगे मैंने चूल्हे की, ठीक है, तो थोड़ा सा कड़कड़ाएंगे, और फिर हम इसमें डालेंगे ये जो हमने पेस्ट पीसा था ना, काली मिर्च, सौंफ, साबुत धनिया, जीरा, लौंग, इलायची का जो पेस्ट बनाया था ना, वो हम इसके अंदर डाल देंगे, बिस्मिल्लाह। देखिए, अब इसमें हम क्या करना है, ये मैंने अदरक लहसुन का मसाला डाल के थोड़ा सा भूना, अब हम इसमें मसाले ऐड करेंगे, ठीक है। इसमें जाएगा नमक 1/2 टीस्पून, क्योंकि हमने मसालों में भी डाला था ना, और कश्मीरी लाल मिर्च 1/2 टीस्पून, और 1/2 टीस्पून पिसी हुई लाल मिर्च, पिसा हुआ धनिया 1/2 टीस्पून, और हल्दी 1/2 टीस्पून, ठीक है। अब इन सब मसालों को अच्छी तरह से हम भून लेंगे अच्छे से। चलिए देखें, अब ये अच्छी तरह से भून गया, इसने ऑयल जो है रिलीज करना शुरू कर दिया, एक अच्छी से खुशबू भी आ रही है। अब खटास के लिए हमने क्या डालना है, इसमें फटा हुआ दही डालना है 1/3 कप, बिस्मिल्लाह। दही ज़्यादा खट्टा ना हो, ठीक है, फिर सालन में ज़्यादा अच्छा मज़ा नहीं आएगा, तो नॉर्मल लेना है हमने दही, ज़्यादा खट्टा दही नहीं लेना है हमने। और चूल्हे की आँच जो है ना, मैंने कम कर दी थी दही डालते वक्त, बस इसी तरह से हम इसको भी अच्छी तरह से दही के साथ भूनेंगे। देखिए, अच्छे से भून गया है, इतने ज़बरदस्त कलर भी लग रहे हैं। अब हमने क्या करना है, इसमें हमने कसूरी मेथी जो होती है ना सूखी, वो डालनी है, ठीक है, एक अच्छा सा उसमें से, और ज़बरदार खुशबू आएगी माशाल्लाह। बस ये डालने के बाद आपको हम इसमें पानी ऐड करेंगे, और हमने पानी इसमें ज़्यादा डालना है, क्योंकि जब हम अपनी खंडियाँ डालेंगे ना, तो वो भी पानी चूसेंगे, ठीक है। इसमें मैंने 1.5 गिलास पानी डाला है। बस ये पानी डालने के बाद अब हमने क्या करना है, इसको कवर करना है,
ये देखें ठंडी हो गई है, तो मैंने कट लगा के इस तरह की शेप में बना ली है। आपको जो भी शेप चाहिए आप उस शेप का इसको काट सकते हैं, बहुत इजीली कट जाती है। देखें चल अब हम अपनी ग्रेवी देखते हैं कहाँ तक पहुंची। ठीक है अब हमने क्या करना है, ये जो हमने अपनी खंडिया बनाई थी ना ये हम इसमें डालेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमान। कितनी जबरदस्त बनी है ना स्टीम से, कितनी जबरदस्त बन गई। मिसाई डालती हूँ, उसको कवर करके रखते हैं 10 से 15 मिनट, फिर आपको इससे मिलते हैं। अब देखते हैं हमारा जो खंडिया है वो कहाँ तक पहुंची। ये देखे माशाल्लाह जबरदस्त, ये अब हमारी तैयार है। ये देखे और टूटी भी नहीं है, देखे आप लोग देख सकते हैं कितनी जबरदस्त लग रही है ना। चले अब इसको डिश आउट करते हैं फिर आपको दिखाते हैं। ठीक है ये देखे माशाल्लाह कितनी जबरदस्त हमारी बेसन की खंडिया बनके तैयार हो गई, और कितनी परफेक्ट है ना और टूटी भी नहीं। जबरदस्त माशाल्लाह बहुत जबरदस्त सामान बना है, आप इसको जरूर ट्राई कीजिएगा। रेसिपी अच्छी लगी तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपनी दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।